ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सुर्खियों में प्रस्तुत है। एक भारत श्रेष्ठ भारत श्रृंखला के अंतर्गत राज्यों के मध्य सांस्कृतिक विनिमय के प्रयासों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक एनके सिंह और आकाशवाणी संवाददाता वीरेंद्र कौशिक। भारत विभिन्न संस्कृतियों वाला देश है। विभिन्नता में एकता हमारी पहचान है। विभिन्न राज्यों में विविधताएं हैं, अलग अलग संस्कृति हैं, लेकिन इस सांस्कृतिक एकता को सूत्र में पिरोने के उद्देश्य से एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान शुरू किया गया। इस कार्यक्रम के तहत कोई एक राज्य अपने संस्कृति और पर्यटन के प्रचार प्रसार के लिए किसी दूसरे राज्य को चुनता है और दोनों के बीच में परस्पर जो विनिमय होता है संस्कृतियों का, उससे भारत के विकास में एक नया आयाम जुड़ता है। ये कितना लाभदायक है भविष्य के लिए और वर्तमान के लिए। ये बहुत ही सामयिक और बेहद जरूरी था एक ऐसे समय में जबकि हमें एक मैसेज पूरे समाज में देना है कि हमारी अलग अलग विविधताएं हो सकती हैं। वेशभूषा में विविधता हो सकती है, भाषा में हो सकती है, संस्कृति के अन्य आयामों पे हो सकती है, लेकिन कुल मिला के हम एक राष्ट्र हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने इस पर डिस्कस किया, तो इसीलिए पहला जब आप देखते हैं इंडिया दैट इज भारत, ये यहाँ से शुरू होता है। ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ये फेडरेटिंग स्टेट्स नहीं है कि बहुत सारे स्टेट मिलकर यूनियन बना रहे जैसा अमेरिका में है। भारत एक देश था, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए राज्य बनाए गए और उनमें आज भी देखते हैं आप कि कुछ राज्य फिर से बदले जाते हैं, कुछ राज्य राज्यों में से निकाल के बनाया जाता है। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मूल प्राण ही है और ये जो एक भारत श्रेष्ठ भारत से प्रयास किया जा रहा है बेहद सामयिक है। कई बार ये होता है कि कुछ जगहों पे कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कि इस विविधता को ही मूल मान लेते हैं और उसके अंदर जो एकता पिरोई गई है उसको वो भूल जाते हैं। और भूलते क्यों हैं? जानबूझ के भी, पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए वो उसको उजागर करते हैं। कुछ लोग कई बार गुमराह भी कर लेते हैं। तो इसलिए संस्कृतियों का आदान प्रदान एक स्टेट से दूसरे, जैसे कि आपका 26 जनवरी पे जो ये झांकियां निकलती हैं, ये इसका बेस्ट उदाहरण है कि भारत दैट इज इंडिया दैट इज भारत। इसकी आप ये झांकी देखिए, ये बिहार की झांकी है, ये केरल की झांकी है, ये महाराष्ट्र की झांकी है, ये नागालैंड की झांकी है। इसका पर्पज यही होता है कि हम कल्चरल जो एफिनिटी है उसको दिखाएं कि तमाम विविधताएं, और ये भारत का एक यूनिक प्रयोग है, दुनिया में शायद एक उदाहरण बन सकता है अगर इसे सही से किया जाए, सही से समाज समझ ले, तो ये एक उदाहरण है और हम एग्जिस्ट करते हैं इसी तरह से। हम आज से नहीं, 2500 साल से हम इसी तरह रहे हैं। यहाँ तक कि हमने आपस में युद्ध भी किया है तो वो कल्चरल एफिनिटी को उसने कभी नहीं प्रभावित किया। वो जियोग्राफिकल स्वायत्तता के लिए था, वो राजाओं की लड़ाई थी, लेकिन उससे समाज ऐसा मुतासिर नहीं हुआ कि वो कहे कि नहीं साहब, लिहाजा हमारा कल्चर आपका कल्चर अलग अलग है। विविधताएं हैं, कल्चर के मैनिफेस्टेशन अलग अलग है, उसका डांस फॉर्म अलग अलग है। आप कहीं कुचिपुड़ी होता है तो कहीं ओडिसी होता है, कहीं भरतनाट्यम होता है, लेकिन इन सब के बाद ये अगर होता है तो ये वेरिएशन उस मैनिफेस्टेशन है। तो लिहाजा ये समझना होगा कि भारत एक कल्चरल नेशनैलिटी के अलावा एक संपूर्ण एक देश का कंसेप्ट है जिसमें हम भारतीय होते हैं। हम तमिल भी होके भारतीय होते हैं, हम बिहार के होके भी भारतीय होते हैं और नागालैंड के भी होके होते हैं। तो और ये प्रयोग जो भारत का है, मेरे ख्याल से दुनिया के लिए एक उदाहरण है कि हम किस तरह से एक कल्चरल नेशनलिज्म, और जो कि मूल रूप से राष्ट्रीयता का एक मूल है कल्चरल नेशनलिज्म, वो हमारे यहाँ अस्तित्व में है डिस्पाइट सेवरल आइडेंटिटी ग्रुप्स दैट वी आर इन। तमाम पहचान समूह हमारे हैं जो जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, लैंग्वेज के आधार पे, कल्चर जो कल्चरल वेरिएशन है उसके आधार पे हैं, लेकिन इसके बावजूद हम एक राष्ट्र हैं। और इसका ये जो प्रयास है मेरे ख्याल से बहुत सराहनीय कदम। विदेशी विचारक है, उनका ये मानना है कि भारत एक इकाई न होकर अलग अलग राष्ट्रों का एक समूह है जो किसी तरीके से बना हुआ है, ना कोई साझापन है, ना कोई राजनीतिक या सामाजिक चेतना है जो इसके राष्ट्र के रूप में पहचान बना सके। कई बार हमें संघर्ष देखने को मिलता है भाषा के नाम पर, जाति के नाम पर। ऐसी स्थिति में जो हमारा आज की डेट में डिजिटल इंडिया है, फेसबुक का माध्यम है, यूट्यूब है हमारे पास और दूसरे ही अन्य माध्यम हैं, इनका कितना प्रयोग
वास्तविक रूप से हम कर सकते हैं इस भेदभाव को पाटने के लिए? देखिए, जो फॉरेन राइटर्स हैं उनकी एनालिसिस है, उनकी एक प्रॉब्लम है भारत को समझने के लिए, भारत को जीना पड़ेगा। सिर्फ इससे नहीं होगा कि भारत से आप टहल के निकल गए महीने दो महीने रह के और आप समझ लेंगे, ऐसा कोई लाल बुझक्कड़ राइटर होता नहीं है। तो एक सस्टेन्ड एफर्ट रहा है भारत को समझने के लिए, भारत को जीना पड़ेगा, और वो जीने के लिए मुझे लगता है कि कई जन्मों की जरूरत होती है, क्योंकि भारत इस तरह आप समझ नहीं सकते इसके कल्चरल मूरिंग्स को। हाँ, ये बात जरूर है कि जो म्यूचुअल फ्यूड्स होते हैं, जो आपसी संघर्ष होते हैं, ये उसी वर्ग में हो रहे हैं। आप जरा गौर कीजिएगा, आज मैं सुबह नाश्ते में चाहे कहीं भी रहूं, अगर संभव हुआ तो मैं साउथ इंडियन नाश्ता मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैं जब अभी बेंगलोर गया था तो वहां पे सुबह जब टहल रहा था तो वहां पे लिट्टी की दुकानें, बिहार के लिट्टी चोखा की दुकानें बहुत सारी खुलने लगी, और वहां पे देखा सुबह सुबह लोग आ रहे हैं, और उसमें सारे ऐसे नहीं थे कि वो नॉर्थ इंडियन थे। तो कल्चरल एसिमिलेशन का एक और भी पहलू होता है कि इकोनॉमिक पोलराइजेशन, जैसे कि बिहार के लोग जब कर्नाटक और बेंगलोर पहुंचेंगे तो यहाँ का खान पान ले जाएंगे, और वहां से ये खाना आप देख रहे हैं, बिहार में आप पटना में घूमिए तो साउथ इंडियन रेस्टोरेंट्स मिलते हैं, और बिहार का लिट्टी चोखा दिल्ली में खूब मशहूर है, और यहाँ ऑफिस के बाहर खड़े होकर लोग इतना ज्यादा खाते हैं। तो ये प्रोसेस होता है खान पान, उसी तरह बोली का चेंज करते हैं और एक्सेंट आपके बदलते हैं। हमारा साझा इतिहास है, हमारी आपसी समझ है, और भारत में जो विविधता की एकता है, आपको याद होगा 31 अक्टूबर 2015 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस के दौरान प्रधानमंत्री ने विभिन्न प्रदेशों के निवासियों के बीच सतत और सांस्कृतिक जुड़ाव का ये विचार दिया था। सरदार पटेल की कितनी भूमिका आप देखते हैं, जो हमारा देश, जो भारत देश है, जिसे अंतरिक्ष में जाकर भी कोई भारतीय कहता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसमें सरदार पटेल की कितनी भूमिका आप देखते हैं? अगर मुझे तारीफ करनी हो तो मेरे पास शब्द नहीं है। नेशनल इंटीग्रेशन के प्रोसेस को अगर किसी एक आदमी को श्रेय जाता है तो वो सरदार पटेल को जाता है। आप जरा देखिए उस समय जिस तरह प्रिंसली स्टेट, और उसमें खास करके दो तीन स्टेट्स जो खास करके थे, हैदराबाद, जूनागढ़, ये लोग जिस तरह का रवैया अपनाए थे, लेकिन वो एक लौह पुरुष के रूप में खड़े होके और दोनों राज्यों का, दोनों प्रिंसली स्टेट का इंटीग्रेशन जिस तरह से किया है वो अपने आप में अद्भुत था। और ये मैं कहूंगा कि अगर किसी एक व्यक्ति को श्रेय जाता है इसका, कि वो निर्विवाद रूप से और बहुत ही स्मूथ तरीके से इंटीग्रेशन हो गया, वो पटेल को जाता है। कश्मीर में जिस तरह से वो करना पड़ा लास्ट मोमेंट तक, अगर ना करते तो दिक्कत होती। तो ये चीजें सरदार पटेल ना रहते तो ये संभव नहीं था। सांस्कृतिक विनिमय का जो आदान प्रदान है, इसको आगे बढ़ाने में और नई ऊंचाइयों तक ले जाने में आज का युवा क्या भूमिका निभा सकता है, थोड़ा बताएं हमें। देखिए, एक चीज है, युवा के पास सर्वाइवल के लिए जो सबसे बड़ी बात होती है, इकोनॉमिक नेशनलिज्म जो होता है, कई बार हम लोग इसको गौण मान लेते हैं, और जो हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस है, जैसे कि एक बिहार का युवा सबसे ज्यादा अगर कहीं आपको मिलेगा तो वो दिल्ली और बेंगलोर में मिलेगा, मुंबई में मिलेगा, लेकिन मुंबई में जो मिलेगा उसमें ज्यादा तादाद निम्न उसके काम करने वालों की है। लेकिन अगर आप सॉफ्टवेयर में देखेंगे तो पूरा का पूरा बेंगलोर, पूरा का पूरा दिल्ली, इसमें बिहार के लोग आए हैं। जब ये प्रोसेस युवाओं का शुरू होता है तो वो वहां के कल्चर से वाबस्ता होते हैं, वहां के लैंग्वेज से वाबस्ता होते हैं। तो ये जो युवा मूव कर रहा है बहुत तेजी से, इसकी वजह से कल्चरल एफिनिटी और कल्चरल एसिमिलेशन ये बहुत ज्यादा होगा। लिहाजा युवाओं को, जो भी वो जहां के भी हों, ये समझना होगा कि एक भारत है तभी आप हैं। आपका जो बेंगलोर में सर्वाइवल है बिहारी का, वो भी एक भारत की वजह से है, एक राष्ट्र की वजह से। अब ये जो कल्चर चेंज हो रहा है, और ये नया फिनोमिनन है, पिछले कुछ वर्षों में ये बदला है कि बहुत ज्यादा एक जगह से दूसरी जगह लोग जीवन यापन के लिए जा रहे हैं, नेशनल इंटीग्रेशन के लिए एक बड़ा रोल प्ले करेगा। सिंह साहब, भारतीय समाज में विकास की अपार संभावना है, क्योंकि अनेकता और विविधता हमें विकास की ओर लेके जाती है। जहां विविधता नहीं होती, अर्थात एक जाति, एक धर्म और एक ही नस्ल, वो प्राय विकास नहीं कर पाते। इसलिए भारत देश की विविधता ही उसकी शक्ति है, जिसे बनाए रखना हम सब की जिम्मेदारी है। आपने हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। एक भारत श्रेष्ठ भारत श्रृंखला के तहत अभी आप सुन रहे थे राज्यों के मध्य सांस्कृतिक विनिमय के प्रयासों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक एनके सिंह और आकाशवाणी संवाददाता वीरेंद्र कौशिक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप
news.onair पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।